सोशल मीडिया पर अपनी अलग पहचान रखने वाले एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने 23 जुलाई को एक ट्वीट थ्रेड पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि 2019 के आम चुनावों से ठीक पहले भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में अपने सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए भाजपा के आईटी सेल की सेवाएं ली थी। यहां यह साफ कर दिया जाए कि निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी यानी स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है और किसी भी राजनीतिक गैर राजनीतिक गुट से इसका किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। साकेत गोखले ने ध्यान दिलाया कि महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के फेसबुक पेज पर विज्ञापन देने वाले के डिटेल में जो पता लिखा है वो है मुंबई में विले पार्ले ईस्ट में पड़ने वाला 202 प्रेसमैन हाउस। ये साइन पोस्ट इंडिया नाम की एक एड एजेंसी का एड्रेस है। भाजपा के पक्ष में कंटेंट पुश करने वाले फेसबुक पेज द फियरलेस इंडियन के एड्रेस में भी यही पता मिलता है। आगे ध्यान दिया गया तो मालूम पड़ा कि इसी पते पर सोशल सेंट्रल नाम की एक डिजिटल एजेंसी भी रजिस्टर्ड है। इस सोशल सेंट्रल का मालिक है देवांग दवे। तो साइन पोस्ट इंडिया, सोशल सेंट्रल और द फियरलेस इंडियन को आपस में जोड़ने की एकमात्र कड़ी सिर्फ ये पता नहीं है। आगे हम भाजपा के हैंडल से जुड़ी और भी एजेंसीज की बात करेंगे जो कि महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन का सोशल मीडिया हैंडल करती हैं और भाजपा की काफी करीबी हैं। और इस पूरी गुत्थी की शुरुआत होती है एक शख्स से जिसका नाम है देवांग दवे। देवांग दवे सोशल सेंट्रल का मैनेजिंग डायरेक्टर है और साथ ही द फियरलेस इंडियन और आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी नाम के फेसबुक पेज का फाउंडर भी है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि देवांग भारतीय जनता युवा मोर्चा का सोशल मीडिया हेड भी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजपा का यूथ विंग है, यानी बीजेपी के यूथ विंग का सोशल मीडिया हेड। जिस कंपनी का मालिक है वही कंपनी महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग का सोशल मीडिया हैंडल कर रही है। विले पार्ले ईस्ट में पढ़ने वाले जिस एड्रेस की यहां बात हो रही है वही देवांग दवे की वेबसाइट पर भी मिलता है। ये बात नोट की जानी चाहिए कि देवांग दवे ने साकेत गोखले के ट्वीट्स के बाद अपनी वेबसाइट पर दिए गए पते को बदल दिया है। देवांग दवे की कंपनी सोशल सेंट्रल के क्लाइंट सिर्फ महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग नहीं है, इस लिस्ट में महाराष्ट्र भाजपा और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील भी शामिल है। और महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का सोशल मीडिया सिर्फ सोशल सेंट्रल ही नहीं बल्कि साइनपोस्ट इंडिया भी हैंडल करती है। तो फिर इस साइनपोस्ट इंडिया से देवांग दवे का क्या कनेक्शन है? असल में साइनपोस्ट इंडिया ने कुछ ऐसी तस्वीरें पोस्ट की हैं जिसमें आप देवांग को इसके दफ्तर में मौजूद साफ देख सकते हैं। इन सारी बातों के सामने आने पर देवांग दवे ने ट्विटर पर सफाई दी, यानी दवे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के दावों को नकार रहे हैं। लेकिन isupportnamo.org इस URL को डालने पर हम साइनपोस्ट इंडिया पर रीडायरेक्ट हुए जा रहे हैं। isupportnamo.org असल में फेसबुक पेज isupport नरेंद्र मोदी की वेबसाइट थी। इस पेज के 16 लाख फॉलोअर हैं। इसे देवांग दवे ने ही शुरू किया था और जैसा कि नाम से मालूम चलता है ये पेज लगातार नरेंद्र मोदी और भाजपा के पक्ष में कॉन्टेंट पोस्ट करता रहता है। इसके अलावा एक बात और है जो सरकारी महकमे की इंटरनेट प्रेजेंस और देवांग दवे के बीच कनेक्शन को साबित करता है। यह है 2018 का एक आर्काइव लिंक। इसे देखने पर मालूम चलता है कि देवांग की पर्सनल वेबसाइट उसी सर्वर पर होस्ट की जा रही थी जिस पर isupportnamo.org, सोशल सेंट्रल, फियरलेस इंडियन और निर्मला सीतारमन, पूनम महाजन समेत कई भाजपा नेताओं की वेबसाइट होस्ट होती है। इसके साथ ही ऑल्ट न्यूज ने जब साइनपोस्ट के पुराने प्रोजेक्ट्स पर एक नजर डाली तो इस कंपनी की भाजपा से नजदीकियों की बात और भी पुख्ता हो गई। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को 2018 में साइनपोस्ट इंडिया के एक डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के लॉन्च के मौके पर मौजूद पाया गया। इस कंपनी ने असम से आने वाले भाजपा के विधायक हेमंत बिस्वा की भी 2018 में एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए तस्वीरें पोस्ट की हैं। इन सारे मुद्दों पर साइनपोस्ट का वर्जन जानने के लिए ऑल्ट न्यूज ने साइनपोस्ट के मैनेजिंग पार्टनर दीपांकर चैटर्जी को एक ईमेल भी लिखा लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। यानी कुल मिला के एक एड एजेंसी जिसकी जड़ें भाजपा के आईटी सेल में फैली हुई हैं महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग को अपनी सेवाएं दे रही है। निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण यानी ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। देवांग दवे ने दावा किया है कि साइनपोस्ट इंडिया से महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग का जुड़ना और इस कंपनी के भाजपा से संबंधों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन isupportnamo.org का
साइनपोस्ट की वेबसाइट पर ले जाना और साइनपोस्ट के क्लाइंट्स की लिस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की पूरी कहानी बयान करती है।